दोस्तों इस वीडियो में हम साल 2023 के तीन बेस्ट एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब ये जो तीनों बेस्ट एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये इनकी पास्ट की हिस्ट्री और फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल को मद्देनजर रखते हुए ये तीनों जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं एसबीआई के, ये हमने शॉर्टलिस्ट किए। अब इस वीडियो में हम एक एक करके इन तीनों म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करेंगे और जो थर्ड नंबर पर जिस म्यूचुअल फंड को हम डिस्कस करेंगे वो इन तीनों में से भी बेस्ट म्यूचुअल फंड है एसबीआई का आज के टाइम में। तो अब यहां पर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए भी एक बार हम बेसिक मतलब समझ लेते हैं पहले कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में एक बेसिक सा अंतर क्या होता है, उसके बाद हम इस वीडियो को फिर आगे स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले एक तरफ मान लो कि स्टॉक मार्केट है और एक तरफ मान लो आप म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने एक शेयर परचेज कर लिया 1000 रुपए का, ठीक है जी, 1000 रुपए का मैंने एक शेयर परचेज कर लिया रिलायंस का। अब कल को मान लो रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मेरा जो ये जो शेयर है, एक शेयर है, इसकी वैल्यू बढ़ के 1200 रुपए हो जाती है, तब मेरे को 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हो सकता है कि कल को रिलायंस अच्छा परफॉर्म ना करे तो मेरा जो एक शेयर 1000 रुपए का, ये घट के 800 रुपए तक भी पहुंच सकता है, तो यहां पे मुझे 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है स्टॉक मार्केट का, ठीक है जी। लेकिन स्टॉक मार्केट पे समस्या क्या है, देखो प्रॉफिट हो तो बहुत अच्छा हो, नुकसान भी हो सकता है। समस्या ये है कि मेरी सारी डिपेंडेंसी एक ही कंपनी के ऊपर आके टिक गई है। यानी अब एक तरह से अगर मान लो मैंने रिलायंस में पैसा लगाया तो रिलायंस अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर बुरा परफॉर्म करेगी तो मुझे नुकसान होगा। यानी मेरी पूरी डिपेंडेंसी एक ही कंपनी के इर्द गिर्द आके टिक चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, देखो म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है जी। अब ये फंड मैनेजर क्या करता है, मान लो पहली चीज तो हमें यह देखना है कि म्यूचुअल फंड होते क्या है। देखो किसी भी एक फंड को पकड़ लो, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई का, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, मान लो एसबीआई का एक फंड है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है जी। ऐसे ही मान लो एक फंड है आईसीआईसीआई का, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड, ठीक है जी। ऐसे करके हर किसी के अपने अपने फंड है, कोई आदित्य बिरला का फंड है, कोई एचडीएफसी का फंड है। हमने एक फंड को सिलेक्ट करना है जो आज की डेट में सबसे अच्छा चल रहा है। उदाहरण के तौर पर मान लो मैं आईसीआईसीआई के किसी भी एक फंड को चूज कर लेता हूं। अब इस फंड का एक फंड मैनेजर होगा, ठीक है जी, इस फंड का एक फंड मैनेजर होगा और मान लो इस फंड का जो साइज है वो है 5000 करोड़ रुपए। अब इस 5000 करोड़ का मतलब ये है कि मान लो हर महीने मैं 2000 रुपए इसमें डालता हूँ, 2000 रुपए पप्पू जी इसमें डालते हैं, 2000 रुपए जो है जी दुबे जी इसमें डालते हैं, 2000 रुपए शर्मा जी इसमें डालते हैं, 5000 रुपए मान लो जी कोई भी, मान लो एक्स वाई जेड कोई भी बंदा डालता है। तो ऐसे करके हर महीने 5000 करोड़ रुपए इस फंड में इकट्ठे होते हैं। अब ये जो फंड मैनेजर है इसका काम क्या है, फंड मैनेजर का काम ये है कि इस 5000 करोड़ रुपए को एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, इसको इन्वेस्ट करना है कम से कम भी 25 से 30 अच्छी कंपनीज में। जैसे मान लो इस 5000 करोड़ में से 100 करोड़ ये इन्वेस्ट कर देगा मान लो आईटी में, मान लो जी 500 करोड़ ये इन्वेस्ट कर देगा स्टील सेक्टर में, ऐसे ही 500 करोड़ ये इन्वेस्ट कर देगा फंड मैनेजर हमारा जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऐसे करके 15-20 अलग अलग कंपनियों में ये इन्वेस्ट कर देगा। कल को मान लो आईटी कंपनी का बट्टादार बैठ जाता है, आईटी कंपनी एकदम बर्बाद होती है, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, गिरती चली जा रही, तो ऐसे में पूरा का पूरा फंड नहीं खत्म होगा ना। मान लो मेरे 2000 रुपए जो इन्वेस्ट हुए हैं, 2000 में से मेरे 100 रुपए ही मान लो आईटी कंपनी में इन्वेस्ट हो रखे हैं जी, ठीक है, तो कल को मुझे 100 रुपए का ही नुकसान होएगा ना, मेरे 1900 रुपए तो बचे रहेंगे। तो ये बेनिफिट होता है एक तरह से म्यूचुअल फंड्स का। वहीं दूसरी तरफ जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, कल को मान लो रिलायंस का बट्टादार बैठ जाता है, रिलायंस बिल्कुल एकदम डूबती चली जाती है, जैसे अभी हाल फिलहाल अडानी के स्टॉक्स गिर रहे हैं, मान लो कल को रिलायंस का भी ऐसे ही कुछ हो जाता है, तो ऐसे में मेरी तो पूरी की पूरी निर्भरता सिर्फ एक कंपनी के ऊपर है। तो यहां पे बस यही एक फर्क आ जाता है स्टॉक मार्केट का और एक म्यूचुअल फंड्स का। तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एसबीआई के तीन बेस्ट जो म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसे तो एसबीआई के बहुत सारे फंड्स हैं, अगर आप इन टोटल देखोगे तो उनके ज्यादा नहीं तो 15-20 म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ऐसे केस में हमने तीन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये जो शॉर्टलिस्टिंग है ये सिर्फ पास्ट की जो हिस्ट्री है उसको मद्देनजर रखते हुए और एक फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल को, यानी एक बस ऑप्टिमिज्म है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सेलेक्ट किया। भविष्य का तो किसी को नहीं पता, अगर मुझे भविष्य पता होता तो फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, लेकिन ये जरूरी है कि हम उसकी पास्ट की ट्रैक रिकॉर्ड से ये जरूर जज कर लें कि वो फ्यूचर में कितना रिटर्न दे सकता है। तो यहां पे सबसे पहला जो हमने एक तरह से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया एसबीआई का, उसका नाम है एसबीआई का ब्लू चिप फंड। अब ये जो ब्लू चिप फंड है इसने एक तरह से जो इसका नेट असेट वैल्यू था आज से 3 साल पहले वो था 44 और आज की डेट में इसकी वैल्यू बढ़ के पहुंच चुकी है 68। यानी कि अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूं तो 54% ये एब्सोल्यूट रिटर्न दे चुका है। एब्सोल्यूट रिटर्न यानी 44 रुपए से बढ़ के 68 रुपीज पे पहुंच चुके हैं। और एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करूं तो 15.35% एनुअलाइज्ड का मतलब होता है कि पहले साल
साल 15% से ग्रो हुआ, फिर 15% से ग्रो हुआ, और फिर 15% से ग्रो होकर के ये 68 पे पहुंच गया। यानी जिसने जो, अब देखो नेट असेट वैल्यू क्या होती है, पहले एक बार हम इसे भी समझ लेते हैं। मान लो जब नेट असेट वैल्यू थी 44 रुपए, ठीक है जी, और मैंने मान लो इसके अंदर 4400 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है जी। अब मैंने 4400 रुपए इन्वेस्ट किए तो इसको बटा कर लो 44 से, तो यानी मेरे पास 100 यूनिट्स आ गई। क्या आ गई? 100 यूनिट्स आ गई। अब इन 100 यूनिट्स की वैल्यू आज बढ़ के 68, यानी जो एक तरह से नेट असेट वैल्यू है वो 68 रुपीज पे पहुंच गई। तो मेरे पास जो 100 यूनिट्स थी उनकी वैल्यू आज 4400 रुपए नहीं है, उनकी वैल्यू बढ़ के आज 6800 रुपए हो चुकी है। तो इसका मतलब होता है सिंपल सा नेट असेट वैल्यू, पूरा म्यूचुअल फंड नेट असेट वैल्यू के इर्द गिर्द ही घूमता है। उसके बाद एसबीआई के इस ब्लू चिप फंड की बात करें तो मान लो आज से अगर किसी ने 3 साल पहले 5000 रुपए की एक सिप लगाई होती, मान लो इस फंड के अंदर किसी ने 5000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने का सोचा होता, तो 3 साल के बाद उसका जो पैसा है, यानी मान लो हर महीने 5000 डालता तो साल के हो जाते 60,000, और 3 साल के वो इन्वेस्ट कर लेता 180,000 रुपए। तो इसके 3 सालों में, यानी इसने टोटल 3 सालों में 180,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते हर महीने 5,000 करके, तो इसका जो पैसा है वो बढ़ के आज की डेट में हो चुका होता 2,29,955 रुपए। यानी अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूं तो 27% का। यहां पे मैं एन्युलाइज रिटर्न की बात नहीं कर रहा, एन्युलाइज मतलब साल, हर साल 27% से नहीं बढ़ा, टोटल यानी 1,80,000 से बढ़ के वैल्यू पहुंच गई 2,29,000 पे, यानी एब्सोल्यूट रिटर्न उसको मिलता 27.75% का। ऐसे ही मान लो किसी ने 5 साल पहले एक एसआईपी स्टार्ट की होती 5,000 रुपए प्रति महीने की, तो उस केस में इसने टोटल इन्वेस्ट वही साल के 60,000 और 3 साल के जी 1,80,000 रुपए करे होते इन्वेस्ट, ठीक है। अब ये 1,80,000 रुपए आज की डेट में बढ़ के हो चुके होते 4,31,393 रुपए, यानी एब्सोल्यूट रिटर्न उसे मिला होता 43.80% का। ऐसे ही मान लो किसी ने लमसम इन्वेस्ट किया होता, यानी वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया होता, ऐसा नहीं कि एसआईपी शुरू किया और वन टाइम में, फॉर एग्जांपल मान लो कि उसने 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते और 1,00,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए होते आज से 3 साल पहले, तो इसका 1,00,000 रुपया 3 साल के बाद बढ़के हो चुका होता 1,53,480 रुपए। तो यहां पर ये इसका एक तरह से पूरा का पूरा ग्रोथ है। अब यहां पर एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि ये वाला जो बेसिकली SBI का म्यूचुअल फंड है, इसने अपना पैसा किस किस चीजों में रखा हुआ है, यानी क्या कहां कहां किस किस कंपनीज में इन्वेस्ट किया। तो यहां पे ज्यादातर पैसा जो है HDFC में इन्वेस्ट है, ICICI में, इंफोसिस में, रिलायंस में, L&T के अंदर हो गया, ITC में हो गया। और देखो यहां पे पूरा का पूरा बाइफर्केशन भी है कि जैसे जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे जो भी बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऐसे के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंक्स अलग अलग है लेकिन बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 31% पैसा बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट है। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में 12%, अदर्स में 11%, कंस्ट्रक्शन में 10.5%, और जो मेजर पैसा है वो सारा का सारा इक्विटी में इन्वेस्ट है, यानी एक तरह से रिस्क पे इन्वेस्टेड है। देखो अब सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि रिस्क अगर हाई है तो रिटर्न भी हाई है। बैंक में एक FD कराते हो तो रिस्क तो जीरो है लेकिन रिटर्न भी बहुत लो है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हम स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क जरूर हाई है लेकिन रिटर्न्स भी बहुत हाई है। तो ये एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन था इस SBI के ब्लू चिप फंड का। अब यहां पर एक चीज होती है कि अगर आप 1 साल से पहले, यानी 1 ईयर से अगर पहले आप म्यूचुअल फंड को क्लोज कर देते हो तो आपके ऊपर एग्जिट लोड लगता है 1% का। इसके अलावा अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकाल लेते हो तो उसके ऊपर 15% का टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा निकालते हो तो उस केस में LTCG लगता है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वो कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगता है लेकिन वो सिर्फ तभी लगता है जब आपके रिटर्न जो है फाइनेंशियल ईयर के वो 1,00,000 रुपए से ज्यादा हो, तभी LTCG लगता है, अदरवाइज LTCG लगता ही नहीं है। यानी 1 साल से पहले, यानी मोटी मोटी बात सिंपल सी ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1 साल से पहले पैसे को निकालने का मत सोचना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अब इसके बाद SBI के दूसरे म्यूचुअल फंड को देखें, उससे पहले एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि काफी बार जब कोई नया इन्वेस्टर होता है, उसे मान लो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, किसी भी जानने वाले के किसी रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड की सलाह लेके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद उसे काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको अपनी मेहनत की कमाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो आपको चाहिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी को ध्यान में रखकर आपको ढंग के स्टॉक्स रिकमेंड करे। अब इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है मोतीलाल ओसवाल, जहां पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अब मोतीलाल ओसवाल को स्टॉक मार्केट में 30 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इनके पास ऑलमोस्ट 50,00,000 से ज्यादा ट्रस्टेड कस्टमर्स भी है। यहां पर आपको रियल टाइम एक्सपर्ट्स की स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिल जाएगी,
जिसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत भी नहीं है, और साथ में जो है आपको इनकी वेलकम बास्केट मिल जाएगी, आपको इनके AI टूल्स मिलेंगे वो भी एकदम फ्री होंगे, और साथ में ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिल जाएगा। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और मोतीलाल ओसवाल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट मिल जाएगा, जहां पर कोई मेंटेनेंस का चार्ज भी नहीं देना, और फ्लैट ब्रोकरेज ₹20 पर लोट के हिसाब से आपको मिल जाएगी। बस डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ होना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। जो सेकंड बेस्ट म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, उसका नाम है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यहां पर जो इनकी नेट असेट वैल्यू आज से 3 साल पहले थी वो थी 61, जो आज बढ़के 124 तक पहुंच गई, यानी एक तरह से एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूं तो 103%, यानी सीधा 61 से बढ़के 124 हो गया, यानी 103% से ये बढ़ गया, और एनुअलाइज रिटर्न जो है 25.89%, यानी साल दर साल करके 3 सालों में ये एक तरह से 25% की ग्रोथ के साथ बढ़े। अब आप खुद सोच के देखो, बैंक में जब हम FD कराते हैं तो हमें 6% 6.5-7% का इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न आप देखो 25.85.89% का एनुअलाइज रिटर्न है, काफी अच्छा एनुअलाइज रिटर्न है। उसके बाद एक तरह से एक कैलकुलेशन अगर हम देखें इसके रिटर्न कैलकुलेटर की, तो यहां पर अगर मान लो आज से 3 साल पहले किसी ने एक SIP स्टार्ट की होती, लेट सपोज ₹5,000 हर महीने करके, आज से 3 साल पहले, तो उसने 3 सालों में यानी हर महीने 5,000 डालता, तो साल के डालता 60,000 और 3 साल के डाल देता 1,00,000। इसके बाद वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। जो सेकंड बेस्ट म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, उसका नाम है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब यहां पर जो इनकी नेट असेट वैल्यू आज से 3 साल पहले थी वो थी 61, जो आज बढ़ के 124 तक पहुंच गई, यानी एक तरह से एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूं तो 103%, यानी सीधा 61 से बढ़ के 124 हो गया, यानी 103% से ये बढ़ गया, और एनुअलाइज रिटर्न जो है 25.89%, यानी साल दर साल करके 3 सालों में ये एक तरह से 25% की ग्रोथ के साथ बढ़े। अब आप खुद सोच के देखो, बैंक में जब हम FD कराते हैं तो हमें 6% 6.5-7% का इंटरेस्ट मिलता है, यहां पे एनुअलाइज रिटर्न आप देखो 25.25.89% का एनुअलाइज रिटर्न है, काफी अच्छा एनुअलाइज रिटर्न है। उसके बाद एक तरह से एक कैलकुलेशन अगर हम देखें इसके रिटर्न कैलकुलेटर की, तो यहां पर अगर मान लो आज से 3 साल पहले किसी ने एक SIP स्टार्ट की होती, लेट सपोज ₹5,000 हर महीने करके, आज से 3 साल पहले, तो उसने 3 सालों में यानी हर महीने 5,000 डालता, तो साल के डालता 60,000 और 3 साल के डाल देता ₹1,80,000। ठीक है जी, ₹1,80,000 उसके बढ़ के आज की डेट में ₹2,62,000 तक पहुंच जाते, सिर्फ 3 सालों में ₹1,80,000 बढ़ के ₹2,62,000। अब यहां पे मैंने एक तरह से एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं बता रहा, एनुअलाइज्ड रिटर्न बता रहा हूं, एनुअलाइज्ड यानी साल दर साल करके। ठीक है जी, एनुअलाइज्ड जो उसका रिटर्न है वो 26.11%। ठीक है जी, एनुअलाइज्ड रिटर्न जो हमें जैसे बैंक में एक FD मिलती है ना, जो साल दर साल उसको 6% 6.5% मिलता है, उसके कंपेरेटिवली अगर आप देखो तो 26.11% का हमें रिटर्न मिल रहा है। अब अगर मान लो किसी ने 5 साल पहले इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होता, तो मतलब एक तरह से साल में हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करता है, तो साल के 60,000 और 5 साल पैसा मतलब हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है 5 सालों के लिए, तो एक तरह से ₹3,00,000 उसने इन्वेस्ट किए होते 5 सालों में, ये ₹3,00,000 इसके बढ़ के पहुंच चुके होते ₹5,26,000 के ऊपर, तो एक तरह से इसमें एनुअलाइज जो रिटर्न रहता वो 22.66% का रहता, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों में तो और ज्यादा स्पीड से ग्रो किया है। अगर मैं पिछले 5 सालों के कंपैरेटिवली बात करूं, तो पिछले 3 सालों में तो और ज्यादा अच्छे से ये जो फंड है इसमें पैसा लोगों का ग्रो किया है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं मतलब साथ में, कि अगर मान लो किसी ने सम इन्वेस्ट किया होता, यानी वन टाइम ही आज से 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, मान लो ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया होता, तो ₹1,00,000 ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, ₹1,99,635। खुद सोच के देखो कि बैंक में पैसा रख लो 10 साल में भी डबल नहीं होता, यहां पे 3 सालों में ही आपका पैसा डबल हो गया अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता। अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं, देखने से यहाँ पे पहला तो हो गया ब्लू स्टार के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, दूसरा इनका वेदांत फैशंस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, सर्विस सेक्टर हो गया, मोटा मोटी आप ये समझ लो 2000 माइनस ये वाली जो रकम निकल के आएगी उतना माइनस कर देना, जो भी अमाउंट निकलेगा वो ही पैसा सिर्फ आपके इन्वेस्ट होता है, ये तो एक तरह से फीस होगी उस फंड मैनेजर की। हाँ, अब आपको ये कहोगे कि फिर ये फीस हम क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो फंड मैनेजर भी तो आपके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक तरह से जब भी एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है ना, तो आप ये मान लो कि वो फंड अच्छा है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कुछ खास नहीं है, 0.71 ठीक है कमी है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। एग्जिट लोड 1% हो गया और टैक्स वही LTCG लगेगा, और एक साल से पहले निकालोगे तो 15%, बाद में निकालोगे 10% अगर 1,00,000 से ज्यादा रिटर्न से, सेम वही चीज जो हम पीछे डिस्कस कर चुके। अब जो बेस्ट एक तरह से म्यूचुअल फंड है, पहले हमने थर्ड नंबर का डिस्कस किया था, थर्ड बेस्ट फिर सेकंड, अब ये तो सबसे बेस्ट है जो फर्स्ट नंबर पे है, उसका नाम है SBI का कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब यहां पे आप एक बार इसकी ग्रोथ देखो, 110
इसकी एनएवी थी जो बढ़ के 240 पहुंच गया, यानी आप इमेजिन करो एब्सोल्यूट रिटर्न 118%, यानी 110 से बढ़ के सीधा 240, एनुअलाइज्ड रिटर्न 29.14%। आप कर लो बैंक में एफडी, देख लो आप 6% 6.5 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, यहां से कंपेयर करो 29.14, यानी 7 × 28 चार गुना आपका पैसा तेजी से ग्रो हुआ। आज से 3 साल पहले पैसा रखा होता, यानी बैंक में रख लो पैसा एक तरह से 16 साल के लिए और इधर पैसा रख लो 4 साल के लिए, बात एक बराबर ही है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज है इसका। अगर मान लो मैं इसका रिटर्न कैलकुलेटर आपको दिखाऊं, तो 5,000 रुपए मान लो मैंने हर महीने इसमें इन्वेस्ट किए होते आज से 3 साल पहले, तो 180,000 रुपए के मेरे बढ़के हो चुके होते 275,000 रुपए, 53% से मेरा पैसा जो है ये ग्रो हुआ होता। ये एनुअलाइज नहीं है, ये है एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है जी। ऐसे ही 5 साल पहले अगर मैंने पैसा 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, यानी मैं 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका होता 5,000 रुपए हर महीने करके, मेरा 3 लाख रुपए बढ़ के हो चुका होता 5,33,000 रुपए, यानी आप खुद इमेजिन करो 78% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। यानी एब्सोल्यूट रिटर्न 2-3 बार बता चुका हूं बट फिर बता देता हूं, 5.35, यानी सीधा 3 लाख से बढ़ के 5,35,000 रुपए मेरा पैसा पहुंच गया। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 3 साल पहले, तो 1 लाख रुपए बढ़ के मेरा 1,96,000 रुपए तक पहुंच गया होता। तो ये सारी की सारी चीजें थी इनकी, इनकी होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो ये पहली तो होगी गेल, ये सरकारी कंपनी है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक में इन्वेस्ट किया, एचडीएफसी में, एक्सिस में, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा इन्वेस्टमेंट है। फिर आईटी ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है टेक महिंद्रा कंपनी में किया हुआ है, फिर ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस के अंदर किया हुआ है, ये फिर बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन्फोसिस फिर आईटी हो गया। यानी आज की डेट में मोटा मोटा जो पैसा है वो सारा का सारा सर्विस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। इक्विटी में मेजर इन्वेस्टमेंट है, वही चीज है हाई रिस्क, तीनों के तीनों जो फंड्स हैं उनका इक्विटी में ही मेजर इन्वेस्टमेंट है, यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न के ऊपर बात चल रही है सारी की सारी। और यहां पे देखो फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, और आई गेस यहां पे इन्होंने फाइनेंशियल कर दिया, एनर्जी कर दिया, और ये आईटी के अंदर भी काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन्होंने। तो ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, एनर्जी हो गया, अदर्स हो गया, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, और यहां पे मिनरल्स एंड माइनिंग, ठीक है भाई। आईटी के अंदर एक तरह से सर्विस सेक्टर जो है हमारा, वो एक तरह से हम कहते हैं ना कि इंडिया की बैकबोन है हमारा सर्विस सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा लोग डिपेंडेंट है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 20%, वो भी कोविड के बाद, कोविड से पहले तो 16% 17% चलता था। सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो भी सबसे स्किल्ड लोगों को, लेकिन फिर भी इंडिया की बैकबोन है क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ सर्विस सेक्टर के अंदर ही, तो इसीलिए ज्यादातर मेजर जो इन्वेस्टमेंट है इसकी सर्विस सेक्टर के अंदर ही है। और लास्ट में वही चीज है, एग्जिट लोड अगर हम देखें तो पूरा 1% का है, तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, इतना चलता है। अगर 1% से या 1% से नीचे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत आती है जब 1.5%, 1.75%, 2.25% तक भी कुछ ना कुछ जो फंड्स होते हैं वो भी पैसा चार्ज कर लेते हैं, तो 1% में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और वही चीज, एग्जिट लोड 1% रहेगा और टैक्स इंप्लीमेंटेशन वही 15% और 10% LTCG, वो सारी की सारी चीजें। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू पूरा का पूरा कि SBI के 2023 के बेस्ट जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कौन से हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।